Wild Fairy Tales. एक बार की बात है, एक दूर देश में एक जोड़ा था जो एक छोटे से घर में सुख और शांति से रहता था। पत्नी गर्भवती थी जिसने पति को बहुत खुश कर दिया था, हालांकि वे जानते थे कि वे बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे। उनके घर के पास में एक रहस्यमय पड़ोसी रहता था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। बाहर एक हरा भरा बगीचा था और सुनहरे गुलाब वहां सबसे कीमती पौधे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। इस स्थिति में हमारे पास पड़ोसी के कुछ सुनहरे गुलाब चोरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रहस्यमय बगीचे के सामने खड़े होकर आदमी बहुत डर गया था, लेकिन आखिरकार उसने बगीचे में घुसने का फैसला किया। जब उसने चुपके से सुनहरे गुलाब ले लिए थे तो दरवाजा अचानक से खुल गया। पड़ोसी ने जो देखा वो गौथल थी, दुष्ट जादूगरनी। वो जानती थी कि उसके पड़ोसी के बच्चे के जादुई सुनहरे बाल होंगे जो लोगों को अपनी जवानी बनाए रखने में मदद करेंगे। मैं उस बच्चे का फायदा उठाकर एक कीमती दवा बनाऊंगी जिससे मुझे अपनी जवानी को फिर से हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जानने पर कि गौथल एक जादूगरनी है, वो आदमी वास्तव में भयभीत हो गया। वो उससे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा जीवन तो छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। निश्चिंत रहो, उसे अच्छे से पालूं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अमीर जो हूँ। लेकिन ये मेरा एकमात्र बच्चा है, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं दे सकता। तो क्या तुम चाहते नहीं कि बच्चा मेरे साथ अमीरी में रहे या गरीबी में तुम्हारे साथ मर जाए? कोई और रास्ता नहीं था और आदमी भी चाहता था कि उसका बच्चा अमीरी में रहे। उसे गौथल की बात से सहमत होना पड़ा। कुछ दिनों बाद जादुई सुनहरे बालों के साथ एक सुंदर बच्ची पैदा हुई। गौथल ने उसका नाम रुपेंजल रखा और बच्चे को तुरंत अपने घर ले आई। हालांकि गौथल ने केवल उसके सुनहरे बालों के लिए रुपेंजल को अपनाया था, लेकिन रुपेंजल के भोलेपन और क्यूटनेस ने आखिरकार गौथल के अंदर के शैतान को जीत लिया, जिससे उसे अपने असली व्यक्तित्व में आने में मदद मिली। लड़की धीरे धीरे एक अतिरिक्त लंबे सुनहरे बालों के साथ बड़ी हुई। गौथल वास्तव में रुपेंजल के बालों को ध्यान से रखती थी। हर बार जब गौथल उसके बालों में कंघी करती, जो गिर जाता था, और उस पर शोध करना शुरू करती थी। रुपेंजल के माता पिता को भी उसे वर्ष में एक बार देखने की अनुमति थी, लेकिन वे केवल उसे दूर से देख सकते थे। एक रात जब रुपेंजल सो रही थी, गौथल चुपके से उसे एक ऊंचे मीनार पर ले गई जो उसने जंगल के बीच में बनाया था। हे भगवान, पिछली रात क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? इस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी और रुपेंजल की खिड़की ही मीनार का एकमात्र प्रवेश द्वार थी। रुपेंजल इस मीनार के अंदर ही बड़ी हुई और वह अधिक से अधिक सुंदर होती गई, लेकिन वो हमेशा अकेला महसूस करती क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। हर दिन गौथल सुबह निकल जाती थी और देर रात में वापस आती थी। हर बार जब उसे मीनार के अंदर आना या बाहर जाना होता था तो वह रुपेंजल को आवाज लगाती। रुपेंजल, रुपेंजल, अपने बालों को नीचे डाल दो। उसके बाद रुपेंजल तुरंत अपने लंबे सुनहरे बालों को नीचे कर देती ताकि गौथल को मीनार में चढ़ने पर मदद मिल सके। माँ, मुझे हर समय इस मीनार में अकेले क्यों रहना पड़ता है? मैं सभी के साथ खेलने के लिए वहाँ नीचे क्यों नहीं आ सकती, पौधों और जानवरों के साथ? मेरी प्रिय, मैं दुनिया के बुरे लोगों को आपके जादुई बालों को नुकसान पहुंचाने से रोक रही हूँ। वहाँ बहुत सारे खतरे होंगे, खासकर दुष्ट लोग। वो आपको धोखा देने और हर समय नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी खतरनाक होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब रुपेंजल फिर से आज्ञाकारी हो गई। वो ऊंचे मीनार में अकेली रहती थी। जिस दिन से गौथल रुपेंजल के साथ गायब हो गई थी, उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि रुपेंजल कहाँ है। उस दिन एक आदमी आया जो खो गया था।
वो उनके घर के पास से गुजरा। प्रिय सर मैडम, मैं राजकुमार एडम हूँ। यहाँ पहुँचने से पहले मैं बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहा था। बाहर बहुत अंधेरा है, क्या आप मुझे एक रात यहाँ रहने दे सकते हैं? तो आपकी एक बेटी है जिसका नाम रोपेंजल है ना? अब कहाँ है वो? हाँ राजकुमार, गौथल एक जादूगरनी है जिसने कई वर्षों से उससे हमसे छीन रखा है। अब वो 20 साल की हो गई होगी। गुथेल, एक जादूगरनी ने उसको कई वर्षों से हमसे छीन लिया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। अगली सुबह एडम ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक उसने जंगल से एक सुंदर आवाज सुनी। ओह, इस जंगल से आवाज आ रही है, ये आवाज कितनी मधुर है। एडम ने आवाज का तब तक पीछा किया जब तक उसे एक ऊंची मीनार नहीं दिख गई जहाँ रोपेंजल रहती थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर गाना गा रही थी। ओह, मुझे लगता है कि मुझे इस आवाज से प्यार हो गया है। वो कौन है? अरे नहीं, कोई आ रहा है। एडम हड़बड़ी में झाड़ी में छिप गया। जल्द ही उसने गौथिल को आते हुए देखा। रोपेंजल, रोपेंजल, अपने बालों को नीचे डाल दो। रोपेंजल तुरंत अपने लंबे सुनहरे बालों को नीचे कर देती ताकि गौथिल को मीनार में चढ़ने पर मदद मिल सके। तो इस मीनार के ऊपर चढ़ने का ये रास्ता है और उसका नाम रोपेंजल है। अगले दिन गौथिल के जाने का इंतजार करने के बाद राजकुमार एडम खुशी से मीनार के नीचे गया। उसने गौथिल की आवाज की नकल की। रोपेंजल, रोपेंजल, अपने बालों को नीचे डालो। माँ तो अभी अभी निकली है, इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं? उसकी आवाज भी बहुत अजीब लग रही है, क्या कोई समस्या है? हालांकि रोपेंजल ने फिर भी अपने बालों को नीचे डाल दिया। राजकुमार एडम जल्दी से उसके पास आ गया और बालों को पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ गया। रोपेंजल पहले किसी भी आदमी से नहीं मिली थी तो वो एडम को देखकर पहले काफी डर गई। नहीं, आप मेरी माँ गुथेल नहीं है, आप कौन हो? मुझे अपने बाल नीचे नहीं गिराने चाहिए थे। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि आप सभी अजनबी बहुत बुरे होते हैं। अरे अरे नहीं, कृपया यहाँ से चले जाओ। चिंता मत करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं एडम हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच गया। उन शब्दों को सुनकर रोपेंजल शांत हो गई। अब उसे राजकुमार से डर नहीं लग रहा था। उसने वह फूल भी ले लिए जो एडम उसके लिए लेकर आया था। और मैं रोपेंजल हूँ, मैं इस मीनार के अंदर ही रहती हूँ। यहाँ पर कई संयोग हो रहे हैं। इसका नाम रोपेंजल है, इसके लंबे भूरे सुनहरे बाल भी हैं। इसका मतलब बात करने के चतुर और मजाकिया तरीके से एडम जल्द ही रोपेंजल के साथ बात करने लगा। वे एक दूसरे के साथ जल्द ही घुल मिल गए और पूरे दिन खुशी से रहे। उस दिन से सुबह में गौथल के जाने के बाद एडम फिर से रोज वहां आ गया। उसने उसे बाहर की दुनिया के बारे में दिलचस्प कहानियां बताई। उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। एक अकेली लड़की जिसे ऊंचे मीनार में रहना पड़ता था, रोपेंजल एक खुश और फुर्तीली लड़की के रूप में बदल गई। बाहर जाने की उसकी इच्छा उसके मन में और बढ़ गई। एडम ने रोपेंजल का एक चित्र बनाया और उसके माता पिता के घर पूछने के लिए गया। उन्होंने तस्वीर देखते ही तुरंत अपनी बेटी को पहचान लिया। हाँ, ये वही है, मेरी बेचारी छोटी बच्ची। राजकुमार एडम, कृपया हमारी मदद करो, कृपया उसे उस जादूगरनी गौथल से छुड़ाओ। चिंता मत करो, अपने जीवन के प्यार के लिए मुझे यकीन है कि मैं उसे बचा लूंगा। आप लोग जल्द ही एक साथ होंगे। क्या तुम मेरे साथ बाहर आना चाहोगी? तुम पौधों और जानवरों के साथ खेल भी सकती हो। मैं वास्तव में ये चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ से अनुमति मांगनी होगी, उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की है। नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो गौथिल एक जादूगरनी है। आपके माता पिता बाहर हैं, वो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। मेरी माँ एक जादूगरनी कभी नहीं हो सकती। उसने बचपन से ही मुझे पाला है, मेरा अच्छे से ध्यान भी रखा है। और हाँ बिल्कुल, वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। उसी क्षण उन्होंने अचानक बाहर से लड़ाई की आवाजें सुनी। वे तुरंत खिड़की की तरफ भागे देखने के लिए कि क्या हो रहा है।
गौथल और एक अन्य जादूगरनी जो कि झाड़ू पर सवार थे, एक दूसरे के खिलाफ डट कर झगड़ा कर रहे थे। वो डोना थी, गौथल की सबसे बड़ी दुश्मन। गुड हेल, तुम भी मेरी तरह ही बूढ़ी और बदसूरत लग रही हो, जैसे कि मैं पिछले पुराने दिनों में थी। कैसे, तुम्हारे जादुई बाल अभी भी छोटे हैं। डोना, तो वो तुम थी? तुम ही थी वो जिसने मुझे अतीत में नुकसान पहुंचाया था, नूलन ने नहीं। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें पूरी तरह से गलत थे जब मैं इन सारी चीजों का दोष नूलन पे लगा रही थी। आज तुम्हें उस सब के लिए भुगतना पड़ेगा जो कुछ भी तुमने मेरे साथ अतीत में किया था। अंत में रोपेंजल को पता चल गया कि गौथल एक जादूगरनी है, लेकिन वह अभी भी उसके लिए चिंतित महसूस कर रही थी। एडम, कृपया मेरी माँ की मदद करो। लेकिन रोपेंजल, आप जमीन पर कैसे नीचे उतर पाएंगी? रोपेंजल को बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने जादुई सुनहरे बालों को काटने का फैसला किया। उसने बालों को खिड़की के कोने में कसकर बांध दिया और तेजी से एडम के साथ जमीन पर फिसल गई। माँ, लड़ाई के सबसे तनावपूर्ण क्षण में रोपेंजल को अपनी ओर दौड़ते हुए आता देखकर गौथल को झटका लगा। रोपेंजल, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम्हारे बाल? एकदम बढ़िया, उसका ध्यान भटक गया। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। डोना ने तुरंत जादू करके चुपके से उस पर हमला किया। एक बड़ा सा पत्थर जमीन से उठा और गौथल को मारकर उसे दूर गिरा दिया। अब कोई भी नहीं जो तुम्हें बचा सके। तुम मुझ पर चुपके से हमला कैसे कर सकती हो? तुम बहुत घिनौनी हो। अब कोई भी नहीं जो तुम्हें बचा सके। उसी क्षण रोपेंजल आ गई। उसने जादू को रोकने के लिए एडम की ढाल का उपयोग किया। ढाल ने प्रकाश को प्रतिबिंबित कर दिया, जिससे डोना चकाचौंध हो गई। मौका पाकर एडम ने तलवार को डोना के राजदंड की ओर घुमाया, जिससे वो टूट कर आधा हो गया। इसका इंतजार करना गौथल, हमारा झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगी। रोपेंजल, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम्हारे बाल? और ये कौन है? गौथल को आखिरकार पता चला कि रोपेंजल को सारी कहानी पता चल गई है। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जादुई सुनहरे बाल काट दिए। माँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं वहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ और अपने माता पिता से फिर से मिलना चाहती हूँ। आप अब भी मेरी माँ रहेंगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अक्सर आपसे मिलने के लिए यहाँ आते रहेंगे। गौथल को आखिरकार पता चला कि रोपेंजल को सारी कहानी पता चल गई है। हालांकि दुखी होकर गौथल भी अपनी बेटी की इच्छा से सहमत हो गई। रोपेंजल की देखभाल करने में मेरी मदद करें। हाँ माँ। एडम ने धीरे से रोपेंजल के छोटे बालों को छुआ, जादू हुआ और उसके बाल पलक झपकते ही लंबे और ज्यादा लंबे हो गए, बिल्कुल पहले की तरह। अभी ये क्या जादू हुआ? मैं समझ गई। यदि मेरा सच्चा प्यार मेरे बालों को छूता है तो वो पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ये इस जादुई बालों की ताकत है। नोलन, वो कहाँ गया होगा? उसके बाद एडम रोपेंजल को उसके माता पिता के घर वापस ले गया। कई वर्षों तक अलग रहने के बाद आखिरकार वे फिर से एक साथ खुशी से रह सकते थे। वे एडम के माता पिता से मिलने के लिए उसके साथ महल गई। राजा इतने खुश हुए कि वो शादी के लिए तैयार हो गए। हर कोई खुशहाल और शानदार शादी के इंतजार में था। लेकिन किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि राजा के बगल में खड़ा पुराना मंत्री ध्यान से सब सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। रोपेंजल और उसके प्रेमी के बारे में कहानियां अभी और भी है। देखते रहें और अगले भाग का इंतजार करें। रोपेंजल सुनहरे बालों वाली राजकुमारी।